दोस्तों रिसेंटली अभी मैं जापान में हूँ, तो मैं यहाँ के कुछ शॉकिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। दोस्तों जो जापान में घर बनते हैं वो चारों सीजन्स को देखकर यहाँ के लोग घरों को बनाते हैं। मतलब कि जो जापान में मेजर सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, रेनी सीजन, भारत में इसकी कमी दिखती है, बारिश में पानी भर जाता है, सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ इसके बिल्कुल विपरीत है। घर के अंदर आपको अलग ही माहौल मिलेगा। तो यहाँ के जो घर हैं एक एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ जापान द्वारा लागू की गई है। इसके बाद जब आप घर बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जापान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके साइट पर आते हैं, देखते हैं आप किस स्टैंडर्ड से आप अपने घरों को बना रहे हैं और उसका एनालाइज करते हैं प्रॉपर रूप से, इसकी रिपोर्ट फाइल करके और पास की नगर पालिका में जाकर जमा कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम काम करता है। देखते हो कि कितने बड़े बड़े भूकंप आते हैं, सर्दी तूफान कितनी ज़्यादा आती हैं भारत से भी, और यहाँ के लोगों को खरोंच तक नहीं होती है।